व्यवस्था विवरण 28 अध्याय देखिएगा व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का पहला वचन में पृथ्वी के सारे जातियों में तुम्हें प्रभु श्रेष्ठ रखेगा यही वादा है परमेश्वर ने कहा जिस गांव में रहते हो बिजनेस में श्रेष्ठ करेगा जहां काम करते हो आप में मैं तुम्हें ऊंचे स्थान में रखूंगा जहां आप रहते गांव में मैं ऊंचे स्थान में रखूंगा प्रभु का वादा है आप ही से कहता है मेरा बेटा मेरी बेटी निराश नहीं हो डरना नहीं अभी तक में निंदा परेशानी में अपमान में आए यूसुफ को मैं बंदीगिरद से उठा के ऊंचे अधिकारी में रखा है मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा तो इसका मतलब सारे लोगों से बढ़कर प्रभु आपके उच्च स्थान में रखेगा लॉर्ड विल एग्जॉल्ट परमेश्वर ऊंचे स्थान में रखेंगे यही प्रभु की वादा है सचमुच में क्या प्रभु में ऊंचा करेगा क्या मेरा बिजनेस बढ़ेगा क्या मेरे काम में बढ़ोतरी मिलेगा जरूर मिलेगा यही प्रभु की वादा है इसलिए एक कार्य है प्रभु संग रहना। प्रभु आपका साथ रहेंगे तो ये उन्नति ये आदर सम्मान मिलेगा हमेशा अपने आप में सावधान रहना ताकि प्रभु आपका संग रहे आप प्रभु का संग रहने से प्रभु आपका साथ रहेगा यदि आप उसको ढूंढोगे वो आपको प्रकट करेंगे यदि आप उनको छोड़ देंगे प्रभु भी आपसे दूर चले जाएंगे मुझे प्रार्थना का समय नहीं है बाइबल पढ़ने का समय नहीं है मैं बहुत बिजी हूँ प्रभु के लिए अगर समय नहीं देंगे तो प्रभु के समय को अगर नहीं देंगे तो परमेश्वर के प्राथमिक स्थान नहीं देंगे मुझे बहुत काम है फुर्सत नहीं है ऐसे कह के पढ़ाई के लिए काम के लिए बिजनेस में प्राथमिक स्थान देने से परमेश्वर कैसे उन्नति में रखेंगे आप दीन नम्र बन जाएंगे इसलिए आप सावधान रहना प्रभु यदि आपको उच्च स्थान में रखना है वही आपको उच्च स्थान में रख सकता किसी भी परिस्थिति में आप छोटे से दुकान रखे हैं छोटा सा बिजनेस है इसमें कहाँ बढ़ोतरी होगा प्रतिदिन की रोटियां मिलती है बस ऐसे आप समझ हैं, लेकिन प्रभु आपको ऊंचा करने के योजना रखा है ठीक है तकलीफ के साथ काम करता हूं आप इसमें मुझे काम मिल गया इसी में संतुष्टि में रहते हैं लेकिन इस काम में मुझे पूरा पूरा संतुष्टि नहीं है आमदनी नहीं है का पर्याप्त नहीं है बहुत संघर्ष में है, कहते हैं ना प्रभु कहता है मैं तुम्हें उच्च स्थान में रखूंगा जहां काम करते हो वहां पर रूप में रखेगा तकलीफ के साथ पढ़ते हो मार्ग कम मिलता है ऐसे पढ़ने से भी जो है मार्ग कमी मिलता है ना कैसे क्या करेंगे प्रभु कहता है मैं पढ़ाई में उनसे स्थान में रखूंगा बहुत परिवार में माँ बाप दुख के साथ रहते हैं कुछ परिवार में देखे बच्चे कमाते हैं नाती पोते रहते हैं बुजुर्ग बा, माँ बाप परिवार में घर में ही रहेंगे वो बाहर नहीं है घर में ही है लेकिन वो खुशी के साथ नहीं है दुख के साथ रहते हैं क्योंकि प्रभु का दुख देने की बातों को माँ बाप का दुख देने के जैसे बच्चे के चाल चलन है इसलिए घर में बाहर नहीं जाएंगे लेकिन दुख के साथ रहेंगे उनमें आनंद नहीं रहेगा बहुतों की हालत परिवार में ये दुख में है कहीं नहीं जाएंगे आपसे नहीं जाऊंगा प्रभु का लेकिन दुख का साथ है घर में आप उनको खुशी करना आपका कर्तव्य है तब उनको दुखित करने का चाल चलन आपका रवैया ठीक नहीं है क्यों चाल चलन ठीक नहीं है आप परमेश्वर के वचन को आज्ञा मान के उनकी पालन पोषण करने से ऊंचे स्थान में प्रभु रखेगा तब परमेश्वर के वचन को प्राथमिक स्थान देना है ध्यान देना तबे परमेश्वर आपको उच्च स्थान में रखेगा तब परमेश्वर को उस वचन को प्राथमिक स्थान देना तू ही चाहिए प्रभु तेरा वचन को मैं प्राथमिक स्थान दूंगा तू मेरे संग रहना ऐसे कहिएगा तो परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में रखेंगे तब परमेश्वर आपको श्रेष्ठ जगह में रखने वाला सेवा में जहां आप सेवा करते हो सेवा में आप ही को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं मैं अपने आप में नाम ऊंचा करना है सबके सामने प्रचलित होना बहुत लोग ऐसे करते हैं इसलिए कोई लाभ नहीं है वो परमेश्वर करेगा मैं ही तुम्हें ऊंचे स्थान में रखूंगा तू अपने आप में बढ़ाना नहीं यही प्रभु कहता तब दीन नम्र बनना है आप तूने वादा किया यूसुफ का संग जैसे रहा मेरे संग तू रहना है तूने जैसे वादा किया मेरे नाम को तू ऊंचा करने वाला स्तुति ऐसे बोलेगा प्रभु आशीष देगा